आप कभी भी किसी भी जगह जाओ, एक काम करना, बस इस कोटेशन को मन की वॉल पे लगा देना। जो आता है और जाता है उनका सदुपयोग करना, और जो रहता है उन पर प्रेम करना, बस एक ही कोटेशन। जो आता है और चला जाता है उनका सदुपयोग करते रहना, और जो स्टेबल है उनके प्रति प्रेम करना। जो आता है और चला जाता है, शरीर आया और शरीर गया, पैसा आया और पैसा गया, शक्ति आई और शक्ति गई, पुण्य आया और पुण्य गया, जो आता है और जाता है उनका सदुपयोग, और जो स्टेबल है, आत्मा स्टेबल, धर्म स्टेबल, सद्गुण स्टेबल, प्रेम करना है तो उनको करना जो स्टेबल है। बाकी एक काम करना, जो आया और गया, आया और गया, उनका जितना हो सकेगा उनका सदुपयोग करते रहना। ये अनंत तीर्थंकर भगवान की आज्ञा है। शरीर का सदुपयोग तप, मन का सदुपयोग शील, संपत्ति का सदुपयोग दान, जो आया और गया लाख प्रयास करो बचाने का, बचने वाला है ही नहीं। हम यही तो काम करते, चारित्र जिनमें 100% पक्का पता है कि शरीर चाहे कितना भी संभाल लो जाने वाला है, चाहे कितना भी संभाल लो मन जाने वाला है, चाहे कितना भी संभाल लो पुण्य जाने वाला है। आया और गया इनका जितना मैक्सिमम सदुपयोग करते चलो, और जो रहने वाला है, दुनिया की कोई ताकत इनको हलाती है, उनके प्रति तुम प्रेम करो। यही तो सम्यक दर्शन है। दुनिया की कोई ताकत तीर्थंकर भगवान खुद अपने शरीर को नहीं बचा पाए, चक्रवर्ती अपने साम्राज्य को नहीं बचा पाए। आया और गया आपके सामने भी तुमने देखा, हजारों लाखों लोगों को तुमने मौत के समाचार देखे, चाहे वो 500 करोड़ का मालिक था, छोड़ के चला गया। हम प्रशंसा इनकी करेंगे, आया और गया बीच के सदुपयोग कितना किया। सर बोलो आपके बाद, बस सीधी अनंत तीर्थंग एक ही कोटेशन में, जो आने वाले और जाने वाले उनके लिए न क्लेश, न द्वेष, न दुश्मनी, नहीं। आने वाला है पैसा, आने वाला पैसा, जाने वाला है, उसके लिए गुरुदेव बवाल नहीं करूंगा, किसी के प्रति दुश्मनी का भाव पैसे को लेकर नहीं करूंगा, क्योंकि पैसा तो निश्चित जाने वाला है और दुश्मनी का भाव अगले जन्म में मेरे साथ आने वाला है। मान लिया सामने वाले ने तुम्हारा 50 लाख का पेमेंट डुबा दिया है, इनके लिए तुम क्रोध कसाई करते हो, पेमेंट मिल जाए तो भी यहां रहने वाला है और क्रोध का पाप अगले जन्म में तुम्हारे साथ रहने वाला है। आप मुझे बता पाएंगे व्हाट इज योर मेंटालिटी? भगवान की परम करुणा, गुरुदेव ने हमको सब कुछ रत्न इतना ही काम करना, कहीं भी बवाल करने का मन होता है तो चेक कर लेना, ये जाने वाला है उनको पकड़ने के लिए बवाल मत करना। जो जाने वाला है उनको पकड़ने के लिए कभी बवाल मत करना, उनकी यूटिलिटी कर देना टॉप। पैसे का सदुपयोग वस्तुपाल, तेजपाल, कुमारपाल, जगदू साहब, भामा साहब, पितर साहब, और कई लोगों ने मन का सदुपयोग कर दिया, कई लोगों ने संपत्ति का सदुपयोग कर दिया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपकी मानसिकता क्या? जो आने वाला है और जाने वाला है उनको बचाने का प्रयास, या कभी नहीं जाने वाला है उनको संभालने का प्रयास? आपका प्रयास क्या? जब भी आपके भाई के साथ, भाभी के साथ, बाप के साथ, माँ के साथ, मित्र के साथ, या किसी के साथ दुश्मनी करने का मन हो, एक बार चेक करना, आया तो है, जाएगा, हाँ बस रुक जाना, गुरुदेव इनके लिए कुछ नहीं करूंगा। चाहे करोड़ों का पेमेंट था और सामने वाले के पास अब जो रुपया होने के बाद मेरा पेमेंट डुबाता है, मैं कसाई तो नहीं करूंगा, नेवर। कई लोग मुझे पूछते धर्म क्या है, बस धर्म यही है, जो आके जाएगा उनके लिए तूफान मत करो, जो रहने वाले उनको कभी निगलेक्ट मत करो। आज इतनी बड़ी सभा के बीच में इतना छोटा सा प्रश्न, जो आने वाला है और जाने वाला है कभी ना कभी चेक करो, कभी ना कभी नहीं बवाल मत करो, उनको संभालो, कोई ना नहीं। मैं एक बार बताऊं, आपका पेमेंट जहां रुका है ना, भाष्य में ये नहीं कह रहा तो तुम पेमेंट जिंदगी भर छोड़ दो, मगर पेमेंट के लिए गाली गलोच क्रोध सब करते ना, उनको विराम दे दो। अपना भाई पेमेंट बाकी है कब देगा, वो जो कुछ भी, मगर तेरी औकात दिखा दूंगा, हैरान कर दूंगा, पक्का पता, ये सब जो चलता है ना, प्लीज इनको दिमाग से निकाल दो और जबान से निकाल दो। क्या लगता है आपको क्या है होगा? लेके बैठा है फिर भी पेमेंट नहीं देता है, तो एक बार बताऊं, भगवान महावीर के कान में कीले टप ठोके, तब भगवान महावीर कमजोर थे इसलिए संग किया, या ताकत दी फिर भी संग किया? नहीं, आप आंसर दो।
किला ठोकने वाला आया भगवान के लिए, उसको दो मिनट का नहीं दो पल का खेल था, यदि उनको चाटा मारना उनको मौन करना। भगवान महावीर ने सब कुछ क्यों सहन कर दिया, कमजोर थे इसलिए कि ताकत थी फिर भी। बस आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, देयरफॉर यू आर नॉट हैप्पी। और मैं बताऊं डबल माइंड से तुम्हारा धर्म चलता नहीं, धर्म में तुम्हें कोई आनंद नहीं है, करते तो मगर मजा आ गई गुरुदेव।